हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। हमने लाइव वीडियो का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है, आपको वो भी रोज़ाना 8 बजे लाइव वीडियो भी आपको मिल जाया करेगी। जो भी अमल हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर आप अमलियात सीखना चाहते हैं या इस्तखारा वगैरह ये करवाना चाहते हैं, इंशाल्लाह अपनी बहन से रब्ता करें, आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज का जो अमल है, और इसको एक हम वजीफे की तरह भी ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अमल को अमल की तरह लेंगे तो अमल जो है, जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत प्यारा है, अपने प्यारों को पाने के लिए है। अगर कोई आपका प्यारा जुनसा है, आपका बहुत ज़्यादा दिल महबूब है, वो आपसे नाराज़ हो गया है, तो जो तरीका आज मैं आपको बताऊँगी आप एक दफ़ा वो करें। देखें, अगर दो लोगों में रंजिश हो, ठीक है, ये तब भी अमल किया जा सकता है। आपसे बहन भाई नाराज़ हो तब भी किया जा सकता है। कोई अपना प्यारा रूठा हुआ है तब भी किया जा सकता है। मियां बीवी के आपसी रिश्ते में अगर इतनी ज़्यादा खलीश है तब भी ये किया जा सकता है। तालिब और मतलूब के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। छोटा सा अमल है, फजर नमाज के वक़्त जब आप नमाज पढ़ के फारिग हों तो आपने फूल लेने हैं, ठीक है, फूल लेने हैं। आप एक फूल भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, वो कोई मसला नहीं, आप कोई सा भी फूल ले लें, ठीक है। उस पर आपने ली इलाफी कुरैश, ये कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत मुबारक है, आप तलाश कीजिएगा, सूरह कुरैश के नाम से है ये, ठीक है। 21 दफ़ा आपने दम करना है, 21 दफ़ा दम करना है फूल पर, एक ही वक्त का अमल है। और वो फूल आप चाहें तो अपने किसी जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है, तालिब जो है अपने मतलूब तक पहुंचा दे ताकि वो उसकी खुशबू को महसूस करे। तो आप यकीन माने कि बफ़ज़ल अल्लाह के हुक्म से जैसे ही वो उस खुशबू को सूंघता है या महसूस करता है तो वो इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि एक दूसरे के जब तक मिल ना पाएंगे उतनी ज़्यादा बेचैनी, तड़प और हाजत उसको होगी कि यकीन माने जब तक वो आपसे मिल ना ले उसको सुकून नहीं आने वाला। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, फूल लेना है आपने या आप अतर ले सकते हैं, फूल ले लें या फिर अतर ले लें। अतर ले लें सुबह को, आपने इसी तरह जो मैंने आपको तरीका समझाया 21 मरतबा सूरह कुरैश जो उनसे आपने पढ़कर उस अतर पर दम करनी है। रात को बस आपने लगाकर सो जाना है, अतर को हल्का सा लगाना है ताकि लोगों को भी महसूस ना हो और खुशबू जो उनसे आपके पास से महक फिजा में भी फैलती रहे। आप यकीन माने कि अगर फ़र्ज़ करें आपका प्यारा कोसों दूर है, समुंदरों जैसे कहते ना, जिसे कहते ना समुंदर पार भी कोई रहता हो, तो उसको भी बेचैन करने के लिए ये अमल मैंने आपको अतर का बताया। एक दफ़ा ये अमल करके देखिएगा, एक दिन का अमल है, एक दिन में ही आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा, सिर्फ एक टाइम करना है, ठीक है। कर ये हम 3 दिन भी सकते हैं लेकिन आपने एक दिन करना है। आप यकीन माने इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, एक बस इतनी बस किसी तरह ये खुशबू आप दम करके पास रख लें, आप अपने घर में भी नाम लें या ना लें, ठीक है। जैसे हम लेते हैं फलां बिन फलां अलखुब फलां बिन फलां, ठीक है, नाम ले या ना ले, लेकिन जिस नियत से भी आप करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मसला हल हो जाए। जज़ाकअल्लाह खैरा। ये मदरसा है फातिमा तो ज़हरा अली बनात तो आयशा सदीका। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अल्लाह।